मेरा नाम एमपी सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो निकता तोमर के साथ जो बहसी दरिंदों ने, हेलो, जिस तरीके से बहसी दरिंदों ने जो लव जिहाद की व्यवस्था में लिप्त लव जिहादी हैं, वो उन लोगों ने, वो बहसी दरिंदों ने नेता के साथ जो जगन कांड किया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज हैं। और हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि अगर देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में उनके सबको उनको देख लिया गया है आगे आओ, और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, तो फिर उनको तुरंत फांसी लगना चाहिए। समाज में जो लव जिहादी दुर्दांत आतंकी है, ये समाज में एक विध्वंस, समाज में अराजकता, समाज को एक मतलब विखंडित करने वाला दुष्टंत्र रच रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, मेरी शासन से मांग ये है कि इन लोगों को तुरंत फांसी मिलना चाहिए। जब आदमी सीधा सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि इस आदमी ने ये दुर्दांत आतंकवादी ने कृत्य किया है, तो फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? तक दिखाई दे रहा है। आपकी मांग क्या है? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि उनको तुरंत फांसी होना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में समाज की समरसता बची रहे और इस तरीके के जघन्य हत्याकांडों की पुनरावृत्ति ना हो। और ये मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है, हम लोग क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय किसी जात नहीं है, क्षत्रिय एक धर्म है। हमारा हाथरस कांड में भी हमने ये कहा, हाथरस कांड में हमने ये कहा था कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई बचे नहीं। जो भी दोषी है उसका खिलाफ कार्रवाई हो और निर्दोष कोई बचे नहीं। और मैं उस बिकाऊ मीडिया को कहना चाहता हूँ, ये आज तक वाले को, ये आप लोग मेरी बात उसको पहुँचाएँ, उसने पैसा लेके उस मीडिया वालों को, अगर वो मिल जाए तो हम मुँह कुचलें ढंग से, अच्छी तरीके से। उस साले उस समय उसका हाथरस कांड इस तरीके से दिखा रहे थे, और आज ये बताओ निकता को सरेआम गोली मार दी गई, उसने उनका विरोध किया, सरेआम गोली मार दी गई। आज वो मीडिया बिकाऊ कहाँ है? आज वो मीडिया कमी कुत्ती कहाँ है? वो आज तक की वो क्या नाम है उसका, आज तक की जो है वो अंजना ओम कश्यप कहाँ है? वो अंजना ओम कश्यप बड़े लच्छेदार भाषण देती है, अगर उसके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? अब उसको ये दिखाना चाहिए वो बहन बेटी किसी की भी हो, हम छत्रियों की बात नहीं करते। हम समाज में अत्याचार अन्याय उत्पीड़न जहाँ भी होगा हम उनके विरोध में खड़े होंगे। हम फिर कहते हैं क्षत्रिय जाति नहीं, एक धर्म है, वो हमेशा अन्याय अनिति और अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ हर समाज ये रिश्ता के लिए खड़ा होगा, और ये अतीत से खड़ा रहा है हमेशा। और ये आप अगर अतीत में देखेंगे तो इतिहास के पन्ने इसकी गवाही दे रहे होंगे। तो आज ज्ञापन किसको पेश रखा आप? आज हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों का, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री धर्मवीर सिंह, सुरेंद्र जी, और ये हमारे राजीव जी, और सब हमारे गौरव सिंह चौहान जी, और ये हमारे सचिन जी, सभी हमारे, मैं सबका नाम कहाँ तक, मैं ठीक सभी हमारे यहाँ है। और इन लोगों ने संकल्प, हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यदि समाज में किसी के भी प्रति, क्षत्रिय की बात नहीं है, अगर अन्याय उत्पीड़न अत्याचार होगा और इस तरीके के लव जिहादी दरिंदे इस तरीके के अगर कहीं कोई भी इस तरीके की वारदात करते हैं, तो उनको हम लोग अपना भी दंड देना चाहते हैं, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। ठीक है सर, ठीक। हम सम्मान में, निकता के सम्मान में, निकता के सम्मान में, जाति नहीं, क्षत्रिय एक धर्म है। हमेशा अगर आप अतीत का इतिहास उड़ा के देखोगे, क्षत्रिय समाज में क्षत्रियों का नहीं, जब मुगलिया साधन था जो कौन हो, महिलाओं के सम्मान में, क्षत्रिय महिलाओं के सम्मान में, क्षत्रिय मैदान में, निकता के सम्मान में, क्षत्रिय मैदान में, निकता के सम्मान में, क्षत्रिय मैदान में।